इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड अगर जो आपका गुम हो गया है, आपके पास है ही नहीं राशन कार्ड, तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और राशन कार्ड डाउनलोड करने के बाद राशन कार्ड से आप आयुष्मान कार्ड जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए इस तरह का आपका राशन कार्ड होगा। यहाँ पे मैं बिहार का राशन कार्ड जो है वो मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा। आज फिलहाल किसी भी स्टेट का आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का यही प्रोसेस रहेगा। तो ये आपका डिजी लॉकर में आपके पास ये मौजूद होता है। यहाँ पर सारे जो है डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर डिजिटली यहाँ पर आप जो है अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोडेड पहले से होता है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो आपको जो है पहले गूगल में आना पड़ेगा, यहाँ पर डिजी लॉकर सर्च करना पड़ेगा। डिजी लॉकर सर्च करने के बाद आपके पास सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो है आपका प्रोफ या पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आएंगे, साइन इन और साइन अप। तो अगर जो आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाया तो आपको साइनअप पर क्लिक करना पड़ेगा यूज़र आईडी बनाने के लिए। यूज़र आईडी बनाना बहुत ही आसान है। साइनअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर अपना मेल फीमेल और मोबाइल नंबर ईमेल डाल के यहाँ पे पिन सेट कर लेंगे अपना 6 अंकों का पिन, और सबमिट कर देंगे। आपका जो है लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार हो जाएगा। इसके उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके आप जो है लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करेंगे जैसे, तो जितने नंबर इस नंबर से जितने भी अकाउंट बने हुए आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे देखिए दो अकाउंट बने हुए, तो फिलहाल मैंने जो है जिस यहाँ पे देखिए दिस मोबाइल एसोसिएटेड विद मल्टीपल अकाउंट्स, आप जो है जिसका भी आप देखना चाहते हैं, जो भी खोलना चाहते हैं आप यहाँ पे खोल सकते हैं पासवर्ड या पिन डाल के। तो यहाँ पे देखिए पिन आपका सही होना चाहिए एक बारे में। तो यहाँ पर मैंने पोर्टल खोल लिया है, और यहाँ पर देखिए आपने कैसे सर्च करना है कि राशन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी स्टेट का हो चाहे। तो यहाँ पर आप सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, सर्च डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ पे खुल जाएगी गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो यहाँ पर जो है आपको देख अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट चूज़ कर लेना है। तो देखिए सारे स्टेट के अपने अपने जो है यहाँ पर वेबसाइट्स हैं। फिलहाल जो है हमने यहाँ पे डाउनलोड करना है जो है राशन कार्ड बिहार का, तो यहाँ पे हम बिहार वाले पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बिहार का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी इनके वेबसाइट्स बने हुए हैं जिस भी डिपार्टमेंट के, सारे जो यहाँ पर आप शो करेंगे। अभी देखिए आप यहाँ पर राशन कार्ड का हमने ढूंढना है, तो राशन कार्ड का आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, नीचे देखिए राशन कार्ड ये वाला है ऊपर देखिए। और अगर जो आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए ऊपर वहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, आप ऐसे ढूंढ ले, नहीं मिल रहा है तो आप एंड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे राशन लिखेंगे। मैं राशन लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए राशन मैंने लिख दिया, यहाँ पे आ गया है राशन कार्ड। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका नाम तो पहले से आ जाएगा, क्योंकि आधार नंबर आधार में आपका नाम जुड़ा होगा, वो आप यहाँ पर फैच करके बता देगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और राशन कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे आप डालेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपका राशन कार्ड जो है डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। तो राशन कार्ड का नंबर कैसे निकालना है वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। तो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम द इश्यूअर। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो आपका देखिए राशन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड आपका हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा राशन कार्ड, तो आपका राशन कार्ड इस तरह से शो करेगा, डिजिटली राशन कार्ड है ये। और इसके थ्रू जो है आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आपकी राशन कार्ड जो है, आप राशन कार्ड का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। राशन कार्ड का नंबर निकालने के लिए आपको मेरा राशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको जो है आधार सीडिंग वाले पे क्लिक करना है, आधार वाले पे यहाँ पे चेक कर देना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, आपको बताते हैं राशन कार्ड कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सबमिट किया है, यहाँ पर हमारा डिटेल पूरा आ चुका है, कार्ड नंबर यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर आप देख सकते हैं, स्कीम है PHH, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब आ चुका है यहाँ पर, और डीलर का ID क्या है सब चीज़, और ये ONORC एलिजिबिलिटी है कि नहीं ये भी लिखा हुआ है। तो दो मेंबर जुड़े हैं आधार सीडिंग SS, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर निकाल के आप जो है आयुष्मान कार्ड
वहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कॉपी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।